तेजी से फैलने वाला मजहब है। आए दिन हजारों लोग अपने धर्म को छोड़कर दीन इस्लाम को जानते हैं और ना सिर्फ इससे मोहब्बत होती है बल्कि इससे मुतासिर होकर इसे कबूल भी करते हैं और इस बात का खुशी से इजहार भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 खुश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिलेशन ले रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मेरे सिस्टम बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते थे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। आज हम उन लोगों का जिक्र करेंगे इस वीडियो के जरिए से, जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। वो कौन है 10 लोग इस वीडियो जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है कि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म है और लोग इसको बहुत तेज़ी से अपना भी रहे हैं, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको एक लेवल पे एक बराबर देखता है और ये बहुत प्यारा बहुत मीठा मज़हब है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो 10 खुशनसीब कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनाया है और पूरी मुकम्मल के तौर से इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो जरिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा ताकि लोग इसको देखें, समझें और इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। आए दिन हजारों लोग अपने धर्म को छोड़कर दीन इस्लाम को जानते हैं और ना सिर्फ इससे मोहब्बत होती है बल्कि इससे मुतासिर होकर इसे कबूल भी करते हैं और इस बात का खुशी से इजहार भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीन इस्लाम को समझकर फिर उसको कबूल कर लिया और पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। सबसे पहले नंबर पर एक नाम आता है, वो है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर है जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफ़ी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो एक काले शख्स थे, यानी उनका रंग काला था। और प्यारे दोस्तों, उन दिनों अमेरिका में काले लोगों की कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 में समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमरीका को गोल्ड मेडल जितवा दिया, लेकिन इसके बावजूद इनको अमरीका में कोई इज्जत नहीं मिली। फिर मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने कुरान मजीद को स्टडी किया और इस्लाम में बढ़ाई की बुनियाद सिर्फ तकवा को पाया, तो इससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1981 में बॉक्सिंग को खैर आबाद कह दिया और 3 जून 2016 को दुनिया के इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। दोस्तों, मोहम्मद नाम की दुनिया में क्या अहमियत है ये आपको आज के इस छोटी सी बात से पता चलेगा। दरअसल दोस्तों, अमरीका में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम नाम की एक जगह मौजूद है और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर करीब 2500 सेलिब्रिटीज़ के नामों को स्टार्स के अंदर लिखा गया है, यानी तारों के अंदर लिखा गया है, और ये स्टार्स वहाँ के सड़कों पर बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये स्टार्स सड़क पर बने हैं तो लोग इनके ऊपर चलते भी होंगे, मगर दोस्तों तमाम सेलिब्रिटीज़ के नामों में से एक सेलिब्रिटी का नाम ऐसा भी है कि जिसके नाम को सड़क पर नहीं बल्कि दीवार पर लिखा गया है, यानी दीवार पर लगाया गया है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का ही है। अब सवाल ये है कि उनके नाम को ही सिर्फ दीवार पर क्यों लगाया गया? तो आपको बता दें, उनके नाम के आगे मोहम्मद नाम का इस्तेमाल हुआ है और कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मोहम्मद नाम को सड़क पर लिखा जाए। दोस्तों, ये है खासियत मोहम्मद नाम की, ये जिस इंसान के नाम के साथ जुड़ जाता है उस इंसान की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। नंबर 2, AR रहमान। AR रहमान का नाम आता है मशहूर सिंगर के तौर पर। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार AR रहमान भारत के साथ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। AR रहमान का नाम पहले दिलीप शेखर था, वो 6 जनवरी 1967 को पैदा हुए। AR रहमान की मां ने इस्लाम कबूल किया था, इसके बाद AR रहमान का सूफी इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ा। AR रहमान को एक शख्स ने अल्लाह रखा रहमान नाम दिया। नंबर 3, माइक टाइसन। माइक टाइसन अमेरिका के एक मशहूर बॉक्सर है जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे, यानी 38 टाइम्स वो गिरफ्तार हो चुके थे। फिर इनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, तब इनको बॉक्सिंग का रास्ता दिखा दिया और जल्द ही वो बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर शोषण का इल्ज़ाम लगाया और इनको 3 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर उसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 4, लिंसे लोहान।
लिंडसे लोहान हॉलीवुड की मशहूर जमाना मॉडल और एक एक्ट्रेस है जो कि 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में पैदा हुई। इन्हें शुरू से ही कानून तोड़ना काफ़ी पसंद था और वो इसी सिलसिले में 2 मरतबा जेल भी जा चुकी है। लैंडसी शुरुआत से काफ़ी लापरवाह थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब उन्होंने इस्लाम की स्टडी करना शुरू कर दी। इनको कई बार कुरान शरीफ हाथ में लिए इधर उधर घूमते हुए देखा गया और इंस्टाग्राम पर से भी वो अपने तमाम गैर इखलाकी तस्वीरों को डिलीट कर चुकी है। कुछ अरसा पहले इनको तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में भी देखा गया था। उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल करने के बारे में ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके फैंस को ये लगता है कि वो जल्द ही ऐसा करेगी। नंबर 5, मोंताना लुआन। मोंताना लुआन 13 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, जिनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। मोंताना ने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन प्लेयर बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और इसको इस्लाम काफ़ी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 6, जेनेट जैक्सन। प्यारे दोस्तों, जेनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर खरबपति वसीम अलमाना के साथ शादी कर ली और 50 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे ईसा अलमाना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जेनेट जैक्सन ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है और इनको कतर के अंदर इस्लामी लिबास और मुस्लिम अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए देखा गया है, लेकिन इस बात का इकरार या फिर इनकार उन्होंने अभी तक नहीं किया। नंबर 7, वेन पार्नेल। वेन पार्नेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम से है, क्योंकि अफ्रीका की टीम में सबसे फास्ट बॉलर की हैसियत से जाने जाते हैं। वेन पार्नेल 13 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुए और साल 2006 में उनकी जब उम्र 17 बरस थी तो ये अफ्रीका के क्रिकेट टीम का एक हिस्सा बन चुके थे। इस वक्त साउथ अफ्रीका के टीम में 2 मुस्लिम प्लेयर यानी हाशिम आमला और इमरान ताहिर पहले से ही मौजूद थे और इन्हीं के रहन सहन और उनकी आदतों को देखकर वेन पार्नेल ने 13 जुलाई 2011 को इस्लाम को अपनाया और अपना इस्लामी नाम वलीद रख लिया। नंबर 8, हंसराज हंस। हंसराज हंस एक भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर है जो कि 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और फोल्क म्यूजिक में कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफ़ी लगाव था। इसी शौक की वजह से इन्होंने इस्लाम को डिटेल से समझना शुरू किया और आखिरकार इन्होंने दीन इस्लाम से मुतासिर होकर 20 फरवरी 2014 को ये इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपने नाम को मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम को काफ़ी गहराई से समझा है और इस्लाम एक अमन और प्यार मोहब्बत का दीन है। नंबर 9, आयशा ताकिया। आयशा ताकिया बॉलीवुड की एक खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस है जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में मेहनत की और जल्द ही इनको कामयाबी हासिल हुई। वैसे तो आयशा एक हिंदू थी, लेकिन इनको एक मुस्लिम पॉलिटिशियन के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया, लिहाजा आयशा ने फरहान आजमी से शादी के लिए ना सिर्फ अपना मजहब बदला बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम मिकाइल आजमी है। नंबर 10, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के एक्टर हैं। ये दोनों भी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफ़ी मिस्ट्री का शिकार है। धर्मेंद्र कुमार ने बॉलीवुड की मूवी शोले से अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से आपको दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से तलाक लेनी होती है, लेकिन धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार किया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ये दोनों भी इस बात का इनकार करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो 10 खुशकिस्मत लोगों के बारे में पता लग गया होगा कि जिन्होंने दीन इस्लाम को अपनाया और पूरे पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो हमने देखा कि 10 खुशनसीब लोग जिन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को पूरी तरीके से मुकम्मल के तौर से कबूल कर लिया। वैसे तो हज़ारों लोग रोज इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अपने अपने मुल्क के बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने पूरी मुकम्मल तरीके से इस्लाम को अपनाया है और कबूल कर लिया है। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।